भिलाई निगम क्षेत्र में अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए निगम के अधिकारी इसके सतत निरीक्षण करेंगे तथा 14 जुलाई 2022 से अस्तित्व में आए अनाधिकृत निर्माण को हटाने के लिए नोटिस भी जारी होगा। अवैध निर्माण करने वालों को जोन आयुक्त नोटिस जारी करेंगे। सभी कॉलोनी कॉम्प्लेक्स एवं मार्केट क्षेत्र में बिना अनुज्ञा अनाधिकृत निर्माण करने वालों को चिन्हित करते हुए इन्हें भी नोटिस जारी कर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने इसके लिए सभी जोन आयुक्त को निर्देश जारी किए हैं। इधर अनाधिकृत निर्माणकर्ताओं को नियमितकरण कराने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। देखिए अनाधिकृत विकास जो अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण की जो दूसरे श्रेणी में जो आता है कि अवैध निर्माण ना हो, इसके लिए जो है वो सर्वे निगम के अधिकारी करेंगे। दूसरा जो अनाधिकृत विकास है, जिन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन भी किया होगा, उसका भी निरीक्षण जो है अधिकारी करेंगे, उनको नोटिस भी जारी करेंगे। लेकिन अनाधिकृत विकास के जो नियमितीकरण है, उसके लिए हम ये भी विकल्प अपना रहे हैं कि सभी जो जोन करा रहे हैं वहाँ पे इसके लिए हेल्प डेस्क की स्थापना की जाए। इसके माननीय आयुक्त महोदय ने निर्देश दिए हैं। और इसके अलावा जो अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण है, उसके लिए आवेदन ले, उसके लिए हम उसको सहयोग प्रदान करें, ये भी व्यवस्था जो है निगम भिलाई के द्वारा की जा रही, ताकि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जिन्होंने किया होगा, जिन्होंने बिना बिल्डिंग परमिशन के अवैध निर्माण कर लिया होगा या बिल्डिंग परमिशन लेकर के जो है उसके स्वरूप में परिवर्तन करके निर्माण किया होगा, ये उसके दायरे में आएंगे। इसकी तिथि को ध्यान रखना आवश्यक है कि 14 जुलाई 2022 से 14 जुलाई 2023 तक की अवधि में इसके लिए आवेदन जो है वो किए जा सकते हैं नियमितीकरण के लिए। और अभी ये केवल अच्छा मौका मिल रहा है कि ये साल भर के लिए इसको जो है वो किया जा रहा है। तो जितने भी जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन हैं जो इस दायरे में आते हैं, जो नियमों के दायरे में आते हैं, जो पात्रता श्रेणी में आते हैं, उसका नियमितीकरण होगा।